और वो पेंटिंग हमने अपने लिए नहीं किसी और के लिए चुराई थी, तो उसको हम लोग लेकर आ चुके हैं लिबर्टी सिटी में और अभी हमें उसे पेंटिंग देने जाना है। अब इस पेंटिंग के बदले वो हमें लॉस सैंटोस के कोर्ट में इनोसेंट प्रूफ कर देगा, यानी हमें बेगुनाह साबित कर देगा और फिर हम लोग चैन की सांस ले पाएंगे, हमें बार बार पुलिस से छुपना नहीं पड़ेगा। फिलहाल ये जो आप गाड़ी देख पा रहे हो ना सामने, इस गाड़ी ने सचमुच में यार बहुत ज्यादा हेल्प करी है। अच्छी बात तो ये है कि गाड़ी में गन लगी हुई थी, तो पुलिस जब हमारे पीछे पड़ी थी हमने उन्हें खूब तोड़ा है इस गन से। फ्रैंकलिन ड्राइविंग कर रहा था, मैं गोलियां चला रहा था और साथ ही ये गाड़ी पानी में भी तैर पाती है, तो हम लोग इसे सीधा लॉस सैंटोस से भगाते भगाते पानी में लेकर आ गए थे लिबर्टी। बट यहाँ पर आकर भाई इस गाड़ी ने दम तोड़ दिया, कीचड़ में इसके चारों टायर बुरी तरह धस गए और 4x4 होने के बाद भी ये गाड़ी भाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी। शायद हो सकता है इसका फ्यूल खत्म हो गया हो या फिर किसी पार्ट में दिक्कत आ गई हो, क्योंकि जिस तरीके से धुआं निकल रहा है मुझे तो लग रहा है गाड़ी थोड़ी देर में ब्लास्ट ही हो जाएगी। फिलहाल हाँ, अभी वो जो बंदा है ना उसने हमें मिलने के लिए बुलाया, वो जो आप सामने देख पा रहे हो ना, पता नहीं ये कोई हॉरर हाउस है इस लिबर्टी सिटी का और यहाँ पर अभी कोई रहता नहीं है, और इसी जगह पर उसने हमें मिलने के लिए बुलाया है, तो चलते हैं। और ये जो बैग आप लोग मेरे पास देख पा रहे हो ना, इस बैग के अंदर ही है वो पेंटिंग जो कि मुझे ले जाकर उस बंदे को देनी है।